आरजेडी सुप्रीमो पूर्व केंद्रीय मंत्री लालू प्रसाद यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर खुला पत्र लिखा है। अपने खुले पत्र में लालू यादव ने प्रधानमंत्री का ध्यान गुजरात के ऊना में घटित हुई घटना की ओर दिलाया है, जिसमें दलित युवकों की पिटाई की गई थी। लालू प्रसाद ने कहा कि गोसेवा और गोरक्षा के नाम पर कुकुरमुत्तों की तरह जगह जगह हिंसक तथा कथित गौरक्षक दल इत्यादि पनप रहे हैं। इस आग के पीछे सबसे बड़ा हाथ आरएसएस और आपका ही है। उन्होंने कहा कि ब्राह्मणवादी और मनुवादी मानसिकता को पिछले दरवाजे से हम दलित पिछड़े और आदिवासियों पर पुनः लादने का प्रयास बंद कीजिए, वरना इसका परिणाम देश के लिए विध्वंसक होगा। संघ के मोहन भागवत जैसे विषैली राजनीति करने वालों के लिए मेरी एक ही चेतावनी है, चेते अथवा अपना कुनबा समेटे। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने शनिवार को ये कहते हुए बीएसपी बीजेपी की लड़ाई पर चुटकी ली कि बीजेपी के लोगों को मायावती से माफी मांगकर राखी बंधवा लेनी चाहिए। वे पहले भी ऐसा कर चुके हैं। अपने सरकारी आवास पर आयोजित शिक्षकों और वैज्ञानिकों के सम्मान समारोह में उन्होंने कहा कि किसी की जुबान फिसल गई तो इतना बड़ा प्रदर्शन किया, मंच लगाकर अपशब्द बोले गए। बीजेपी और बीएसपी के नेताओं में गंदी भाषा बोलने की होड़ लगी है। बीजेपी नेता ने जो बोला वो गलत था, लेकिन सिर्फ आधा हिस्सा ही, आधा हिस्सा सही था। हमें भी पता है कि बीएसपी में पैसे से टिकट मिलते हैं। बीएसपी से जो भी निकल कर आ रहा है वह यही आरोप लगा रहा है। उत्तर प्रदेश बीजेपी के पूर्व उपाध्यक्ष दयाशंकर सिंह की पत्नी स्वाति सिंह ने कहा है कि वे बीएसपी सुप्रीमो मायावती और नसीमुद्दीन सिद्दीकी के खिलाफ पास्को एक्ट के तहत कार्रवाई चाहती है। उन्होंने शनिवार को कहा कि मैं अपने पति दयाशंकर और मायावती नसीमुद्दीन के लिए समन कार्रवाई चाहती हूं। दयाशंकर के विवादित बयान के बाद मायावती ने पूरे मामले को राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल करने और अपने वोट बैंक को मजबूत करने की भरपूर कोशिश की थी। उसके बाद बीजेपी बैकफुट पर आ गई थी, लेकिन स्वाति सिंह के बयान के बाद अब बीजेपी ने बीएसपी पर पलटवार की रणनीति बनाई है। यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य के नेतृत्व में बीजेपी के सभी प्रदेश पदाधिकारी राज्यपाल राम नाईक से मुलाकात कर नसीमुद्दीन सिद्दीकी के खिलाफ ज्ञापन देंगे, साथ ही उनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग भी करेंगे। ग्वालियर में 200 फीट गहरे बोरवेल में फंसे 2 साल के बच्चे को 15 घंटों तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद भी बचाया नहीं जा सका। उसे बचाने की कोशिश में लगे बचाव दल को सीसीटीवी कैमरे में बच्चे के पास एक सांप दिखा था। मृतक बच्चा ग्वालियर के खेरिया गांव का रहने वाला अभय पचौरी है। घटना उस वक्त हुई जब वह अपनी दादी के साथ अपने खेत से वापस आ रहा था। अचानक उसका पैर फिसला और वह बोरवेल में गिर गया। अधिकारियों के मुताबिक बच्चा बोरवेल में 25 से 30 फीट की गहराई पर फंसा था। बच्चे के गिरने की जानकारी मिलते ही पुलिस और प्रशासन हरकत में आए और बीएसएफ के जवानों को रेस्क्यू अभियान की पूरी जिम्मेदारी दी गई। बचाव दल ने बोरवेल के पास ही दूसरा गड्ढा खोदा और करीब 15 घंटे बाद बच्चे को बाहर निकाला गया। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। केजरीवाल के दूसरे राज्यों में चुनाव को लेकर लगातार बाहर रहने की बात कहकर दिल्ली के विकास को प्रभावित होने के आरोप पर भी मंत्री सत्येंद्र जैन ने जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि पहली बार किसी सीएम ने अपने पास विभाग नहीं रखा। किसी भी राज्य में सीएम के पास 15-15 विभाग होते हैं। उन्होंने कहा कि सीएम केजरीवाल हर हफ्ते मंत्री को रिव्यू करते हैं। मंत्रियों को हर हफ्ते सीएम को जवाब देना होता है। 6 मंत्री हफ्ते में एक दिन रिपोर्ट देते हैं। 2-3 घंटे बैठकर वो रिव्यू करते हैं। उनका पूरा ध्यान उनका दिल्ली के ऊपर है। केजरीवाल 100% दिल्ली पर ही ध्यान देते हैं। सत्येंद्र जैन ने कहा कि अगर ऐसे ही पूछना है तो प्रधानमंत्री से पूछ लो कि वो देश पर कब ध्यान देंगे। आज तक किसी प्रधानमंत्री ने इतनी चुनाव रैली नहीं की है, वो 50-50 रैली कर रहे हैं। स्थिति में सुधार को देखते हुए कश्मीर के 4 जिलों और श्रीनगर शहर के कुछ हिस्सों में शनिवार को कर्फ्यू हटा लिया गया, लेकिन एहतियात के तौर पर घाटी के बाकी हिस्सों में कर्फ्यू जारी है। एक पुलिस अधिकारी ने बताया बादीपोरा, बारामूला, बडगाम और गांदरबल जिलों के साथ साथ श्रीनगर शहर के कुछ हिस्सों से स्थिति में सुधार को देखते हुए कर्फ्यू हटा लिया गया है। अधिकारी ने बताया कि जिन इलाकों से कर्फ्यू हटाया गया है वहां सीआरपीएफ की धारा 144 के तहत 4 या उससे अधिक लोगों के एकत्रित होने पर प्रतिबंध लागू है। उन्होंने बताया कि घाटी के अनंतनाग, कुलगाम, कुपवाड़ा, पुलवामा और शोपिया जिलों के अलावा शहर के 8 पुलिस थानों में कर्फ्यू अब भी लागू है। अब तक घाटी में स्थिति शांतिपूर्ण रही है।